दोस्तों सैमसंग के स्मार्ट टीवी में अगर आप स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को यूज़ करने से बहुत ऐसी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने स्मार्टफोन को एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन को एज अ रिमोट यूज़ करना चाहते हैं वो इजिली कर सकते हैं, एंड आपका जो टीवी है वो कितना पावर कंज्यूम किया है वो सारी चीज़ें स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन में दिख जाएगी। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं एंड इसे किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से सेटअप करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो, दोनों में ये चीज़ पॉसिबल है। एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाके स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन को टाइप करना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास iOS डिवाइस है जिसमें आप एप्पल स्टोर पर जाके वहाँ पे स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन को सर्च करना है, वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन से ही कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इसे यूज़ करना है। सिंपली एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें ऊपर में साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें अगर आपने सैमसंग अकाउंट को क्रिएट कर रखा है पहले से, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सैमसंग अकाउंट है तो इसमें आप एंटर करके साइन इन कर ले, या अगर आपके पास सैमसंग अकाउंट नहीं है तो उसे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो पार्टिकुलर बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, या आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं सैमसंग अकाउंट ऊपर में डाल के साइन इन कर सकता हूँ, या फिर अगर आपका जो मेल आईडी है वो इसमें लॉगिन है जिससे आपने सैमसंग अकाउंट बना रखा है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिस पर आपको मेल आईडी जो आपने सैमसंग अकाउंट बना रखा है उस मेल आईडी को सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो ऊपर में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा सिंपली कंटिन्यू कर देना है, देन आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा आपके स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन में। ऐप में लॉगिन करने के बाद टीवी में सेम वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर देना है जो आपके फ़ोन में कनेक्ट है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट है और सेम वाईफाई मेरे फ़ोन में भी कनेक्टेड है। अपने टीवी को स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिख जाता है, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करना है, तो मुझे टीवी कनेक्ट करना है तो टीवी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मॉडल नंबर शो होने लगेगा, या सेकेंड ऑप्शन स्कैन नियर बाई ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर मॉडल नंबर शो हो जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोसेस होने लगेगा। टीवी में एक वेरिफिकेशन कोड शो होगा, सिंपली उस कोड को अपने फ़ोन में एंटर कर लेना है एंड डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली सैमसंग अकाउंट लॉगिन करने का फिर से ऑप्शन आ जाएगा। ये जो अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे वही अकाउंट आपके टीवी में भी लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली सैमसंग अकाउंट आपने जो लॉगिन किया था वो यहाँ पे एंटर कर लेना है एंड डन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप सेकेंडरी ऑप्शन जो साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं मेल आईडी वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर रखा है इसीलिए मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आता है मेरे फ़ोन नंबर पे। सिंपली उसे डाल के मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप अपने डिवाइस के नेम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे फेवरेट वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो ये फेवरेट वाले सेक्शन पे चला जाएगा। ये सब करने के बाद डन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे एड ऑन डेटा जो भी है वो डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। जो भी फीचर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड होता है, तो ये चीज़ वन टाइम डाउनलोड होगा। सेकेंड टाइम में अगर आप ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होता है। जब ये 100% डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे रिमोट ओपन हो जाता है, रिमोट का फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके रिमोट के जो थीम है उसको भी चेंज कर सकते हैं, डार्क एंड लाइट मोड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं लाइट मोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो रिमोट में आपको की मिलती है सारी एक्सेस इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर आप डायरेक्टली कुछ प्ले करना चाहते हैं सर्च करके, तो यहाँ पे आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। सपोज़ मैं जसमाना का गाना सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। जसमाना का सॉन्ग जिस भी प्लेटफॉर्म पे होगा यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली यहीं से क्लिक करके आप गाना को चेंज भी कर सकते हैं,
कोई भी अगर आप अदर गाना लगाना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्टली आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप टीवी के एप्लीकेशन को भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सोर्स एंड ऐप वाले सेक्शन पे जाना है, जिसमें जो भी ऐप इंस्टॉल्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा एंड एप्लीकेशन को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली। अपने मोबाइल के जो कैमरा है उसको एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली टीवी के वेबकैम वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, यूएसबी कैमरा एंड मोबाइल कैमरा। सिंपली मोबाइल कैमरा के ऑप्शन को यूज़ करना है जिसमें क्यूआर कोड ओपन होके आ जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, देन आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा एज अ वेबकैम। अपने कैमरा को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप फ्रंट कैमरा रखना चाहते हैं या बैक कैमरा रखना चाहते हैं, ये ऑप्शन आप इस टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करना है, गूगल मीट यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप अपने फ़ोन के कैमरे को ही एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं तो ईज़िली कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है AI एनर्जी, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपका जो टीवी है कितना पावर कंज्यूम किया है वो मंथली डेटा, डेली बेस डेटा, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होता है। टीवी आपका कितना यूनिट कंज्यूम किया है, कितना इसका बिजली बिल आने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा दिख जाता है। मंथ के एंड में सारी डेटा आपको मिल जाती है। आगे देख लेते हैं, अगर टीवी में स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को यूज़ करना है, स्मार्ट थिंक एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपने डिवाइस पहले से कनेक्ट कर रखा है, जैसे मोबाइल से मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया था टीवी को, वो चीज़ यहाँ पे शो होगा। IoT हब, IoT सेंसर, लाइट सेंसर, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है। सेटिंग में जाके लाइट सेंसर को आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, जो कि अगर आपने कैमरा लगा रखा है तो उसके थ्रू क्या है कि आपका जो टीवी का ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपने जो डिवाइस कनेक्ट करके रखा है वो कहाँ कहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्ट है वो 3D मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2D मैप एंड 3D मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा डिवाइस मेरा कहाँ पे प्लेस है, और उसे एडिट करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो कहाँ पे है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, या डिवाइस नेम, सारी चीज़ें यहीं से आप देख सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ डिवाइस कनेक्ट करना है तो प्लस वाले आइकॉन पे जाके वहाँ से आप डिवाइस को ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का यहाँ पे यूज़ होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।